चलिए दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी अभागी का स्वर्ग, दूसरा अध्याय। संतान के नामकरण के समय माता पिता की मूर्खता पर विधाता अंतरिक्ष में बैठे हुए अधिकतर केवल हंसकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, तीव्र प्रतिवाद भी करते हैं। इसी से उनका संपूर्ण जीवन उनके स्वयं के नामों को ही मरण पर्यंत चिढ़ाता रहता है। कंगाली की माँ के जीवन का इतिहास छोटा सा है, परंतु उस छोटे से कंगाली जीवन ने विधाता के इस परिहास से छुटकारा पा लिया है। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ मर गई। पिता ने क्रुद्ध होकर उसका नाम रखा अभागी। माँ थी नहीं। पिता नदी में मछली पकड़ते घूमता रहता था। वह न दिन देखता न रात, फिर भी न जाने किस प्रकार छोटी सी अभागी एक दिन कंगाली की माँ बनने के लिए बची रही। यह एक आश्चर्य की बात है। जिसके साथ विवाह हुआ उसका नाम था रसिक बाघ। कुछ दिन बाद ही वह अभागी को छोड़कर दूसरे गांव चला गया। अभागी अपने अभागी एवं उस शिशु पुत्र कंगाली को लेकर गांव में ही पड़ी रही। उसका वही कंगाली आज बड़ा होकर 15वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। फिलहाल उसने बेंत का काम सीखना आरंभ किया है। अभागी को आशा होने लगी है कि और एक वर्ष तक अपने अभागी के साथ जूझ लेने पर उसका दुख अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कंगाली ने पोखर यानी कच्चा तालाब से हाथ मुंह धोकर लौट कर देखा। उसके भोजन की थाली के बचे भोजन को माँ एक मिट्टी के पात्र से ढककर रख रही है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुमने खाना नहीं खाया माँ? बहुत देर होगी बेटा, अब भूख नहीं रही। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला, नहीं भूख क्यों नहीं रही, कहाँ है, देखूं तो तेरी हांडी। इस छलना द्वारा वह बहुत दिनों से कंगाली को धोखा देती आ रही है। आज उसने हांडी देखकर ही छोड़ी। उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भात था। तब वो प्रसन्न मुख से माँ की गोद में जा बैठा। इस उम्र के बालक साधारणतः इस प्रकार नहीं करते, परंतु शैशव से अवसर बीमार रहने के कारण माँ की गोद छोड़कर उसे बाहर के संगी साथियों में हिल मिल जाने का सुयोग नहीं मिला। एक बाह गले में डालकर मुंह के ऊपर रखकर कंगाली ने चकित स्वर में कहा, तेरा शरीर तो गर्म है, तू क्यों धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई? फिर क्यों जाकर नहाई? मुर्दा जलना क्या तेने? माँ ने झटपट लड़के के मुंह को हाथ से दबाते हुए कहा, छी, बच्चे मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप होता है। सती लक्ष्मी महारानी रथ पर चढ़कर स्वर्ग गई हैं। बालक ने संदेह करते हुए कहा, तेरे पास एक ही बात है माँ, रथ पर चढ़कर भी कहीं कोई स्वर्ग जाता है? माँ बोली, मैंने तो आंखों से देखा है कंगाली। ब्राह्मणी माँ रथ के ऊपर बैठी थी, उनके रंगे हुए दोनों पांवों को सबने अपनी आंखों से देखा है रे। सबने देखे हैं? हाँ, सभी ने देखे हैं। कंगाली माँ की छाती से चिपक कर बैठा सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसकी आदत है। विश्वास करने की ही उसने बचपन से शिक्षा पाई है। वही माँ जब कह रहे हैं कि सबने आके घड़ा कर इतनी बड़ी बात को देखा, तब अविश्वास करने का फिर कोई कारण ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बोला, तब तो तू भी स्वर्ग जाएगी माँ। बिंदी की माँ उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगाली माँ के समान सती लक्ष्मी दूल्हों के मोहल्ले में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप रह गई। कंगाली उसी प्रकार धीरे धीरे कहने लगा, पिता ने जब तुझे छोड़ दिया तब कितने दुख और कष्ट तुझे झेलने पड़े, फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा गया। तुझे आशा थी कि कंगाली के बचने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा। हाँ माँ, तेरे न बचने पर मैं कहाँ बचता, मैं तो बिना खाए पिए उतने दिनों में कब का मर गया होता। माँ ने लड़के को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से चिपटा लिया।
वस्तुतः अनेक प्रकार के परामर्श देने वाले लोगों का अभाव न होते हुए भी सहायता करने वाले व्यक्ति उन दिनों कोई नहीं मिल पाया था। यही नहीं, और भी बहुत उपद्रव उसके साथ किया गया था। उन बातों को स्मरण कर अभागी की आंखों से पानी बहने लगा। लड़का अपने हाथ से उन्हें पोंछता हुआ बोला, कांतरी बिछा दूं माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाले ने चटाई बिछाई, कांतरी बिछाई, माचे के ऊपर से तकिया उठाकर रख दिया, फिर उसे बिछोने की ओर खींचकर ले जाने लगा तो माँ बोली, कंगाली आज तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं। कामकाज न करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, परंतु बोला, जलपान के 2 पैसे फिर वह नहीं देगा माँ? न दे, आज तुझे एक कथा सुनाऊं, और नहीं लुभाना पड़ा। कंगाली उसी क्षण माँ की छाती से लगकर लेटते हुए बोला, तो अब कह, राजपुत्र कोतवाल का पुत्र और वह पृथ्वीराज घोड़ा। अभागी ने राजपुत्र कोतवाल के पुत्र और पक्षीराज घोड़े की बात से कहानी आरंभ की। यह सब उसकी दूसरों से बहुत दिनों की सुनी एवं कितनी ही बार कही हुई कथाएं थी, परंतु कुछ देर बाद ही कहां गया उसका राजपुत्र और कहां गया उसका कोतवाल का पुत्र, उसने इस प्रकार उपकथा आरंभ की कि जो उसने दूसरों से नहीं सीखी थी स्वयं की रचना थी। उसका स्वर जितना बढ़ने लगा, उसने रक्त स्रोत जितने द्रुत वेग से मस्तिष्क में बहने लगा, उतनी ही वह जैसे नई नई उपकथाओं के इंद्रजाल की रचना करने लगी। उनका विराम नहीं था, विच्छेद नहीं था। कंगाली की छोटी सी देह बार बार रोमांचित होने लगी। भय, विस्मय और पुलक से वो जोर से माँ के गले को पकड़कर उसकी छाती से जैसे समा जाने की कोशिश करने लगा। बाहर दिन ढल चुका था, सूर्य अस्ताचल को चले गए, संध्या की म्लान छाया प्रकट होती हुई चराचर को व्याप्त कर उठी, परंतु घर के भीतर आज फिर दीपक नहीं जला। गृहस्थी का शेष कर्तव्य पूरा करने के लिए कोई उठा नहीं। निविड़ अंधकार में केवल रुग्ण माता का अबोध गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा वर्षण करता हुआ चलने लगा। वही उसी शमशान और शमशान की कहानी थी, वही रथ, वही दोनों रंगे हुए पांव, वही उसका स्वर्ग जाना। किस प्रकार शोकार्त पति ने अंतिम पद धूलि देकर रोते हुए विदा ली, किस प्रकार हरिध्वनि करते हुए लड़के माता को ढोते हुए ले गए, उसके पश्चात संतान के हाथ की अग्नि, वह अग्नि केवल अग्नि ही नहीं कंगाली, वो तो साक्षात हरिस्वरूप थी। उसका आकाश तक उठा हुआ धुआं, धुआं नहीं था बच्चे, वो तो स्वर्ग का रथ था। कंगाली चरण मेरे बेटे, तेरे हाथ की अग्नि यदि पालूं बेटे, तो ब्राह्मणी माँ की भांति मैं भी स्वर्ग जा सकूंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में केवल यह कहा, जा, ऐसा नहीं कहते। माँ उस बात को शायद सुन भी नहीं सकी, उसने निवास छोड़कर कहने लगी, छोटी सी जात होने पर भी तब कोई घृणा नहीं कर सकेगा, दुखी होने पर भी कोई रो रो कर नहीं रख सकेगा। आह, लड़के के हाथ की अग्नि रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़के ने मुंह ऊपर मुंह रखकर भराए कंठ से कहा, ऐसा मत कहो माँ, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा, और देख कंगाली, तेरे पिता को एक बार पकड़ कर लाऊंगी, वैसे ही अपने पांव की धूली मस्तक पर देकर वे मुझे विदा करेंगे, वैसे ही पांव में आलता माथे पर सिंदूर देकर, परंतु कौन उसे देगा? तू देगा ना रे कंगाली, तू मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है, तू ही मेरा सर्वस्व है। कहते कहते उसने लड़के को कसकर छाती से चिपटा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। पहला भाग सुनने के लिए आप मेरा पहले का वीडियो जरूर देखिए।